वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। यस, और आज हम लोग आ चुके हैं बेंगलोर के बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी में जिसका नाम है द लीला भारतीय सिटी। बिकॉज यू विल बी वंडरिंग कि हम लोग तो लीला पैलेस आपको दिखा चुके हैं, फिर लीला कौन सा है, तो यह है सेकेंड मोस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी इन बेंगलुरु एंड दिस इज कॉल्ड लीला भारतीय सिटी। हमने चेकिंग वगैरह करा लिया था, वी हैव कम एट 1 o'clock और बहुत ही ग्रैंड हमारी वेलकम हुई, बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है एंड दिस रूम इज ऑल्सो awesome and why we are in the Leela for third time by the way because we were in Kovlam for the first time, Leela Bengaluru second time and it is the third time experience रहा है हम लोग का बहुत ही staff से और यहाँ की property से, तो why not। अभी हम लोग जो है आपको room tour देंगे और आपका जो है स्वागत होगा इन flower के साथ। Welcome to Leela। So room के अंदर ही आते हुए आपको यहाँ पे exclusive जो सबसे प्यारा होता है वो होता है बाथ रोब। एक्चुअली रूम टूर बहुत सारे लोग देते हैं बट बेसिक्स का नहीं देते क्योंकि सबको ही पता होता है, बट लाइक द स्टाफ सुजाता, शी हैज गिवन अस ईच एंड एवरी ब्रीफ। यस, सो यू कैन फाइंड आवर बाथ रोब। सो उन्होंने मतलब पूरा ऐसा दिया है कि जैसे वी आर न्यू टू द लीला कि बाथ रोब यहाँ पे आपका है और आपका शूज और शूज पॉलिश, शू शाइनर and this again there's one more wardrobe for the safe locker in case you miss passport you can call up, they will help you, and iron board aur kuch drawers wagaira yahan pe। So guys aap excited honge na ki yahan ka bathroom kaisa hoga, to uska hum aapko ek glimpse dikha dete hain। Yahan se start hota hai but yahan se aap dekh sakte ho। Hi, yeah, bahut hi matlab exclusive bathroom hai। और एंट्री करते हुए वाओ यार, इट्स वेरी नाइस एंड यू नो हर जगह मिरर है, मतलब सिर्फ एक या दो जगह नहीं, एवरी कॉर्नर देयर इज अ मिरर। और अच्छी बात क्या है ना कि बहुत ही ब्रांड न्यू है, 2021 में बना हुआ है, तो यहाँ की मतलब अलग ही वाइब है। और इनका जो ब्रांड है त्रिशिया, ये हमें बहुत पसंद है। आई पर्सनली बिलीव द हाई क्वालिटी एंड द स्किन केयर विद दिस प्रोडक्ट, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं अभी शावर ले लूं। अभी चलते हैं बेडरूम में, आइए आइए जल्दी। बेडरूम भी बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही बड़ा है। और आपको अगर यहाँ के मेन्यू मतलब इन डाइनिंग है 24 आवर्स और उसके लिए आपको कहीं कुछ और नहीं करना है, सिर्फ आपके टीवी पे चैनल नंबर 2 सेलेक्ट करना है और वहाँ से आप स्कैन करके अपने मेन्यू को ऑर्डर कर सकते हैं। यस, बिकॉज बहुत ही एक्सक्लूसिव यहाँ पे है और सेंट्रलाइज्ड एसी है, सो यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हेयर, नो नीड टू कैरी रिमोट। और साइड टेबल्स वगैरह देते हैं अलग से, आपको वाटर और ये सब ग्लासेस मिल रही हैं। एंड देयर इज नो एनी प्लास्टिक बॉटल्स। या एंड मेन आता है यहाँ पे, लेट मी, वाओ, ये रहा मिनी बार। आज तो बल्ले बल्ले, ओ फेरेरो रोशर। अभी तो खाएंगे ये। और ये है रेड बुल कोक एंड यहाँ पे स्पार्कलिंग वाइन दैट इज कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो लोग वो हम लोग लंच और डिनर में ले सकते हैं। सो वो भी आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कॉफी के लिए है, ऑर्गेनिक टी एंड कॉफी, एंड यहाँ पे है लीला का काजू, तो वो हम ले लेते हैं। मतलब बेंगलोर हमारे घर से यहाँ पे आने के लिए 2 घंटा लग गया था, तो थोड़ी सी टायर्डनेस थी, लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर आए ना, हमारी जो भी टायर्डनेस है वो हट गई है और बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है। बट अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बाकी है। क्या? हम लोग की रूम का व्यू नॉट ओनली टू द पूल बट इट इज जस्ट टू द गार्डन एज वेल। नॉट ओनली गार्डन, यू कैन सी द कंप्लीट यू नो लाइक बैंगलोर, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, स्काईलाइन, रियली इट्स रियली ऑसम। और ये रहा, और ये रहा पूल, पूल और जिम वगैरह है सेकंड फ्लोर पे, एंड जकूजी, सब कुछ फैसिलिटी है, आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और एक यहाँ पे एक और सरप्राइज है जिसके लिए मैंने इसको बुक किया था, वो ये है, मैंने तुम्हें भी नहीं बताया है। यहाँ पे इवनिंग में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइकिलिंग है। ओ वाओ, और आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो। वेरी नाइस, तब तो हम लोग जल्द से जल्द जाना चाहिए। एडिशनली टू दैट एक और सरप्राइज है। क्या? जो की आप यहाँ पे इनको बोल के एज अ पिकनिक आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। रियली नाइस, यू कैन रिक्वेस्ट देम सो दे कैन अरेंज योर फूड इन द यू नो द लॉन साइड, द पॉन्ड साइड, यहाँ पे पॉन्ड भी है, इवनिंग में भी आपको पूरा हम लोग
एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, लेकिन आपसे एक चीज हमें चाहिए, वो आपका सपोर्ट। तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज। जरूर से, क्योंकि देखिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको एक से एक एक्सक्लूसिव लग्जरी स्टेकेशन दिखाएंगे। एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ मोटिवेशन व्हिच मोटिवेट्स अस टू ट्रैवल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अभी जैसे हम लोग इनसाइड बैंगलोर आल्सो वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम और वी आर एक्सप्लोरिंग द न्यू प्रॉपर्टीज। सो ऐसे प्रॉपर्टी मतलब एक्सप्लोर करके आपके लिए लाना, और ये हमें जो कम्प्लीटली हमने पैकेज लिया था, तो हमारा जो डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट एंड हाई टी सब कॉम्प्लीमेंट्री है एडिशनली टू दिस पैकेज। और आप डायरेक्टली मेक माई ट्रिप और कोई भी ऐप से भी बुक कर सकते हो आप। लेकिन पहले जो है, सबसे पहले मुझे जाने का मन कर रहा है वो भी वहाँ पे पूल में। यार क्या शॉट्स आएंगे, वाओ लग्जरी पूल। वो उस साइड से जाए कि इस साइड से जाए, वो हम लोग नीचे जाकर डिसाइड करेंगे। वाओ तो चलो चलते हैं, चलो चले आओ चले। हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने बाथरूम के साथ स्विमिंग के लिए। सो अभी आपको मिलते हैं स्विमिंग पूल में। So, हम लोग अभी 11th फ्लोर से जाएंगे सेकंड फ्लोर। मुझे पता ही नहीं चला कि हम लोग 11th फ्लोर पे। हाँ मुझे भी, अभी मैंने देखा तो पता चला पहुंच गए। मजेदार है यार। सो मस्त इन्फिनिटी पूल है, सुपर एक्सपीरियंस। ठंडी हवा चल रही है और वार्म लग रहा है। देखिए रंजना कहाँ बैठी है इन्फिनिटी पूल के पास। तो गाइस पूल साइड के तो बहुत मजे हैं, और एक्चुअली द ड्रिंक इज नॉट अलाउड इनसाइड द पूल, बट वी आर हैविंग आउटसाइड द पूल, वेरी रिफ्रेशिंग। तो यहीं पे है बार काउंटर, यहाँ से आप पूल के मजे ले सकते हैं एंड ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। एंड रंजना तो आज बहुत ही अमेजिंग शॉट्स दे रही है। माय कोच इज वेरी गुड टुडे, ही इज इंस्पायरिंग मी। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग एडल्ट पूल से तो बाहर आ चुके हैं, बट किड्स पूल में आ गए। तो किड्स पूल इज दिस, और ये 1 फीट है, हमारे घुटने तक भी नहीं आ रहा है। I tell you what, I mean apart from when we were learning the swimming, it was like hot water pools and all, and wherever we have gone, so it was little cold water, so it was sometimes not comfortable. और हम लोग जल्दी इसलिए निकल गए क्योंकि पीछे foreigners ही foreigners हैं। आप थोड़ा सा glimpse देख लीजिए तो अच्छा नहीं लगता है। अभी तो हम लोग थोड़ा rest करेंगे, फिर उसके बाद में। तो ये हमारा sleeping bed। तो वहाँ पे कुछ फॉरेनर गेस्ट भी आए हुए हैं, तो एक हमारे साथ ही स्विम कर रही थी और तीन मतलब वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। तो हमने बोला कि यार मोबाइल उन्होंने भी उठाया, तो हमने बोला कि मैं आई टेक योर फोटो, और उनकी बहुत अच्छी है तो खुश हो गए थे वो। सो आई थिंक आई एम टेकिंग गुड फोटोज, व्हाट डू यू से? यस आई हैव ट्रेंड यू नो। चलिए आपको हाई टी में मिलते हैं। हे गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे संध्या आरती होती है, सो यहाँ का मतलब रिचुअल्स। तो बहुत ही मतलब एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो चुका है। yes. और एंड नाउ आई नो द रीजन ऑफ हैविंग द डोम, यू नो, ऑफ
downstairs because they are doing that sound therapy or like that. So it should so echo. Vibrations, yes, the positive vibrations will be there. Now after this, I feel to sleep. No. इतना मतलब पूरा relaxing हो जाता है. We are dressed up to shoot a video like some music and all, and you cannot sleep. देख जॉब का पार्ट मतलब इतना सूदिंग है कि और बाहर पे एग्जैक्टली बाहर पे मौसम बढ़िया है मौसम और ये जब पूरा लाइटिंग हो जाएगा वी कैन गो टू द रूफटॉप दैट व्यू विल बी समथिंग वेरी ऑसम या तो यहाँ पे जैसे कैंडल्स वगैरह है और ये बहुत ही मतलब अभी मिनी दिवाली जैसा हो जा रहा है ये आ चुका है हमारा कुछ स्नैक्स और बहुत ही प्यारा है डेकोरेटिव है ना Guys, we have chosen this Indian tea option, masala tea. Our my tea ready hai. Ultimate Indian. So guys, the ritual is done, which was unique, and we have come up to second floor. So हमारा ritual है. क्यों? Because of the view. View and pool. इतने बार इस second floor में आओ तो कम ही पड़ रहा है. इतनी अच्छी हवा चल रही है पूरा ओपन है ना पीछे आप नजारे ही देख सकते हो एक से एक लग रहा है जैसे कोई कैफे हो ओ वाओ इन आवर एब्सेंस दे हैव शोन अ वंडरफुल जेस्चर Hey guys, so welcome back to the room and high tea was really awesome. We met Chandana and Deepa in the lobby area. They were very amazing and servicing was very fast and good. और high tea मतलब इतना heavy था कि lunch की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी हमें Room में आते ही एक surprise हम आपको दिखाना चाहते हैं जो रंजना आपको बताएगी तो रंजना एक नहीं मैंने दो surprise अभी notice किए एक तो surprise ये ओ ये तो मैंने नहीं देखा है Absolutely. और अगेन लाइक सेंटारा हां क्योंकि हम लोग इन्हें कहीं और सिचुएट कर गए थे बट दे हैव केप्ट इट लाइक वेरी वेल ओह वेरी हैप्पी तो मिलते हैं आपको डिनर पे डिनर पे